मानसून को लेकर जिला प्रशासन की ओर से भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मानसून के दौरान आने वाले समय में सामने आने वाले चैलेंज से निपटने के लिए भी जिला प्रशासन तैयार है। लोक निर्माण विभाग और आईपीएच विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा जिला में जहाँ भी ज्यादा भूस्खलन होता है वो स्थान भी चिन्हित कर लिए गए हैं। बरसात के दौरान जहाँ सड़कों की हालत बदतर हो जाती है, वहीं कई स्थानों पर मटमैले पानी की समस्या भी रहती है। इसके अतिरिक्त सड़क किनारे बनी नालियां कचरे से भरी होने के चलते नालियों का पानी सड़कों पर बहकर सड़कों को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में जिला प्रशासन ने पहले ही लोक निर्माण विभाग को नालियों को साफ करवाने को कहा है। वहीं आईपीएच विभाग को पानी के टैंकों के सफाई के निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि बरसात में पीलिया आदि फैलने का स्कोप रहता है, जिससे निपटने के लिए पहले से तैयारियां की जानी आवश्यक है। गौरतलब है कि मानसून को लेकर सरकार के स्तर पर बैठक हो चुकी है, जिला स्तर पर भी बैठक की जा चुकी है। मानसून के चलते जिन विभागों को तैयारियों की जरूरत होती है उन्हें भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। डीसी राकेश प्रजापति ने कहा कि लोक निर्माण विभाग को नालियों की सफाई करवाने तथा आईपीएच विभाग को वाटर टैंक और वाटर बॉडी की साफ सफाई के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि मानसून के दौरान पीलिया आदि फैलने का स्कोप रहता है, जिन्हें कम करने के लिए पहले से तैयारियां जरूरी होती हैं। इसके अलावा जिला में जिन क्षेत्रों में ज्यादा भूस्खलन होता है उन स्थानों को भी चिन्हित किया गया है। मैन और मशीनरी की मोबिलाइजेशन के लिए संबंधित विभागों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। मानसून के लिए हमारी तैयारियां पूरी हैं। आगामी जो भी चैलेंज आएंगे उनसे निपटने के लिए भी जिला प्रशासन तैयार है। देखिए, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी एक बैठक हो गई थी और हमारे जिला स्तर की भी बैठकें हो गई हैं, और इंडिविजुअल स्तर पे जिन जिन डिपार्टमेंट्स को जिन जिन वर्क्स की जरूरत होती है, जिन जिन प्रिपरेशंस की जरूरत होती है, उसके लिए जो दिशा निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं। खास करके पीडब्ल्यूडी को जितने भी नलियाँ हैं उनकी साफ सफाई हो रही है। आईपीएस को बोला गया था कि जितने भी उनके टैंक्स हैं, जिनके भी उनके वाटर बॉडीज हैं, उनकी साफ सफाई कर लें, क्योंकि ऐसे वक्त में बहुत सारे जैसे पीलिया फैलने का और बहुत सारे ऐसे चीज़ों का स्कोप रहता है, तो उनको मिटिगेट करने के लिए। और ऐसे हमारे वल्नरेबल पॉइंट्स भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे अक्सर लैंडस्लाइड्स वगैरह होती हैं, और जो मैन और मशीनरी की जो मोबिलाइजेशन होती है उसके लिए भी जो हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको जो भी अति आवश्यक निर्देश होते हैं वो दे दिए गए हैं। और जो मानसून की प्रिपेडनेस है तकरीबन हमारी पूरी है। जो भी चैलेंज आने वाले समय में होगा उसको निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं।